एटीएम कम डेबिट कार्ड को यूज करके एटीएम से कैश निकालना ये एक आम बात है, लेकिन उसमें हमेशा एक डर रहता है कार्ड का डिटेल्स हैक हो जाने का। अगर एटीएम से कैश निकालना विदाउट एटीएम कार्ड पॉसिबल होता तो वो कितना अच्छा और सेफ रहता। बट डोंट वरी, ये पॉसिबल है। आज का इस ट्यूटोरियल में मैं उसी ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। मेरे चैनल एस टेकटॉक में आपका स्वागत है। चलिए एक छोटा सा इंट्रो के बाद आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इस टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। पहले प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में टाइप करना है यूनो लाइट। यूनो लाइट टाइप करने से यूनो लाइट SBI मोबाइल बैंकिंग का जो ऐप आएगा उसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद लॉगिन का दो ऑप्शन आएगा, एक है इजी पिन और दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड। मैंने इजी पिन से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद जो पेज आएगा उसमें यूनो कैश को क्लिक करने से यूनो कैश का जो पेज आएगा उसमें रिक्वेस्ट यूनो कैश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट यूनो कैश का पेज ओपन हो गया है। इसमें मेरा अकाउंट नंबर शो कर रहा है। अभी जो अमाउंट विदड्रॉ करना है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इसका लिमिट है 500 रुपीज से 20,000 रुपीज पर डे। अमाउंट टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने से पिन देने का पेज आ गया है। इसमें 6 डिजिट का पिन दे देता हूँ, लेकिन याद रखना पड़ेगा ये पिन सिक्वेंशियल और रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 1 1 1 1 1 1 ऐसा नहीं चलेगा। पिन देने के बाद सबमिट पर क्लिक करने से जो पेज आएगा उसमें आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देता हूँ। मेरा ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया है। अभी SBI से एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 घंटे के लिए एक्टिव रहेगा। अभी SBI ATM काउंटर में जाना है। स्क्रीन में यूनो कैश को सिलेक्ट करना है। यूनो कैश को सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल में जो ट्रांजैक्शन नंबर आया है उसको टाइप करना है। उसके बाद जो पासवर्ड यूनो कैश में दिया था वो प्रेस करना है। पासवर्ड टाइप करने से ही जो अमाउंट मैंने विदड्रॉ में लिखा था वो हमको मिल जाएगा। है ना कितना आसान और सेफ। यू मस्ट अप्लाई इट नेक्स्ट टाइम। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। आई होप आज का ट्यूटोरियल को देखने के बाद ये ट्रिक आप अपने ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। ये ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक नया टॉपिक के साथ अगला ट्यूटोरियल में फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू।